हाय हेलो नमस्कार, मुझ जसमंत आपको स्वागत करती बिंगार चैनल को। तो आज गोटे आप सुंदर भिडियोटे नहीं आसी जो भिडियो को देखला परे आपण मैंने जापर आम जो मेडिकल रे जो सब पोजिशन यूज हुए तो आमर से कमी कौन रोह हाथ केमी रोह गोड़ केमी रोह आ पोजिशन टा कौन पर यूज हुए तार मैंने काम कौन तार यूजेस कौन आपड़ो को देखला पर आपर सब डाउट क्लीयर हो भिडियो को देखला पर आपने जोकोसी कंपिटेटिव एग्जाम जब इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आसूसी आपने फेस करेंगे। तो भिडियो को लास्ट पर्यटन देखते आदि भिडियोट भल लगे लाइक कर सेयर निश्चय करूँ आज जब चैनल को एपर्तन जाए सब्सक्राइब करना तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिंतु जमीक किसी नुआ अपडेट आपने शीघ्र पारे। तो आसतु भिडियो को स्टार्ट करवा। तो फास्ट आम देखा सुपाइन पोजिशन। सुपाइन पोजिशन कौन ना नर्माल आम रेस्टिंग पोजिशन हूँ आम सुपाइन पोजिशन। तार यूजेस कौन रहा देखो फिजिकाल एक्जामेसन भी आम एमती शोक पड़े अंडरगोइंग एनेस्थेसिया आउ रेस्टिंग रेस्टिंग पोजिशन में भी आम एम शोता। तो नेक्स्ट देखो प्रोन पोजिशन। प्रोन पोजिशन कौन ना सुपाइन पोजिशन उल्टाटा जोटा कि आम पेटर रेस्ट करा कौन यूज हुए ना टू प्रिभेन्ट आस्पिरेसन जब किसी आस्पिरेसन आम होता प्रिभेन्ट करने रिकवरी पोजिशन आफ्टर आनेस्थेसिया किसी आनेस्थेसिया आम यूज होमर यहाँ यूज हुए ये पोजिशन। न्यूराल ट्यूब डिफेक्ट थे भी यूज हुए रेनाल बायोप्सी थे भी यूज हुए टू रिलीफ प्रेसर अन् दि बैक अधिया समय बैक शोले जब किसी प्रेसर हो तो भी आम एम शोता। तो आपने डिटेल्स जो पढ़े आपने जान पारे तो आपको खाली टी जा रखु। तो देखो नेक्स्ट सेमी फॉलर्स पोजिशन। सेमी फॉलर पोजिशन में कितने डिग्री बेड एलिवेट होता है ना 45 डिग्री। 45 डिग्री मुंडपटर बेडटा एलिवेट होता है यहाँ कौन यूज हुए ना टू प्रमोट लंग एक्सपेंशन ट्राकियो एसोफेगल फिस्टुला पारासेंटेसिस। पारासेंटेसिस होती है गोटे किसी इनसीजन कर किसी इनसर्ट कर स्टोमाक भितर एयर आउ फ्लूइड बाहर करने को आम पारासेंटेसिस। तो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट अच्छी लो फॉलर्स पोजिशन। लो फॉलर्स पोजिशन में आम मुंडपट बेड टी 30 डिग्री एलिवेट ही रही है। ये पोजिशन कौन यूज हुए ना टू प्रिभेन्ट आस्पिरेसन ड्यूरींग ट्यूब फिडिंग ड्यूरींग इनक्रीज आईसीपी जितेबाला आम इनक्रीज आईसीपी रोचे तो आमको लो करने डिक्रीज करने ये पोजिशन को यूज कराए। देन देखो देन अच्छी हाई फॉलर्स पोजिशन। हाई फॉलर्स पोजिशन में आम बेड मुंडपट बेड पूरा 90 डिग्री एलिवेट हुई रुए ये पोजिशन कौन यूज हुए ना टू रिलीफ आस्थमा टू रिलीफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एआरडीएस सीओपीडी एम्फाइजमा एंड प्लूरल इफ्यूजन ये सब को रिलीफ करने सब प्रोसीजर में आम हाई फॉलर्स पोजिशन यूज हुए। तो नेक्स्ट देखो नी चेस्ट पोजिशन। तो देखो ये पिक्चर रू देखी जापर थे आपमती कौन पोजिशन रोह ये पोजिशन आम कौन यूज हुए ना सिगमेट्स कोपी यूज हुए लुम्बार लामिनेक्टोमी यूज हुए एंड आनाल एक्जामेसन यूज हुए। तो यही प्रोसीजर पर यही सब यूज हुए। देन देखो लिथोटोमी पोजिशन। तो यहाँ देखो पिक्चर देखते सब ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी एमती आसे यहाँ को इमेज बोली एग्जाम रे। तो देखो ये पोजिशन आम कौन यूज हुए ना ड्यूरींग चाइल्ड बर्थ नॉर्मल चाइल्ड बर्थ रे ये पोजिशन यूज हुए किसी पेल्विक एग्जामिनेशन आम ए पोजिशन यूज हुए एंड भाजानल एग्जामिनेशन भी ए पोजिशन यूज हुए। तो नेक्स्ट देखो टेंडर वर्क पोजिशन। टेंडर वर्क पोजिशन में आम मुंड पटटा पूरा तल को नुआ ही रही। तो ये पोजिशन आम कौन यूज हुए ना सक पेसेंट जो मानक बीपी लो थाए तो ये पोजिशन यूज हुए। देन हाइपोटेंसी पेसेंट सेटा ही जोटा लो बीपी थाए कॉर्ड प्रोलाप्स पेसेंट रि एंड एयर एम्बोलिज्म जब किसी अटकी जाए तो देन आम भी ये पोजिशन यूज करता। देन आम टेंडर वर्क पोजिशन पर रिवर्स टेंडर वर्क पोजिशन जोटा कि टेंडर वर्क पोजिशन उल्टाटा गोड़ पटटा डाउन ही रही। तो ये पोजिशन आम कौन यूज हुए ना टू मिनिमाइज गैस्ट्रो ओसोफेजियल रिफ्लक्स नेक एंड हेड सर्जरी। तो आम किसी ओसोफेजियल रिफ्लक्स हो काले आम स्टोमाक रु फूड पार्टिकल बैक पल आस। तो आम ए पोजिशन को यूज करता से समय रे। तो नेक्स्ट देखो लेफ्ट लैटरल पोजिशन। देखो पूरा लेफ्ट पट को अणहे शोबे केमती कौन हाथ अच्छे देखी नि पिक्चर रे। तो आम ए पोजिशन कौन यूज हुए ना ड्यूरींग सीजर आटाक भी ए पोजिशन आम यूज हुए। देन एयर एम्बोलिज्म भी आम ए पोजिशन यूज हुए। देन टू प्रमोट लंग एंड कार्डियक फंक्शन भलसे लंग आउ कार्डियक फंक्शन करने आम ए पोजिशन यूज करता। नेक्स्ट देखो राइट लैटरल पोजिशन। राइट लैटरल पोजिशन हूँ लेफ्ट लेफ्ट ओल्टाटा। तो देन आम ए पोजिशन कौन यूज हुए ना पाइलोरिक स्टेनोसिस पेसेंट रोजिशन यूज हुए आफ्टर लिवर बायोप्सी आम ए पोजिशन यूज हुए। आउ गोटे पॉइंट देखो जोटा कि टू रिलीफ फ्रम बैक सोर। तो आम जो बेड सोर हुए आमको इंटरवाली आम को मानने सैड चेज कर पड़े देन से आमको ये पोजिशन आमको बेड सोर रु बैक सोर रु रिलीफ करे। नेक्स्ट देखो सिम्स पोजिशन। सिम्स पोजिशन में देखो एपट जो पिक्चर टी केमती कौन रही देन आम ए पोजिशन कौन यूज हुए ना रेक्टल एग्जामिनेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ एनिमा आम जो एनिमा दे था जितेबाला गोटे पेसेंटर स्टूल पास होनी देन आम एनिमा दे था तो से पोजिशन यूज हुए। देन टू प्रिभेन्ट आस्पिरेसन जब आम मानने पार्टी किसी आस्पिरेसन हो जाए देन आम से यूज करूँ।
तो नेक्स्ट देखु नेक्स्ट पॉइंट आम रहा जैकनी पोजिशन। तो जैकनी पोजिशन आपण मैंने देखी निपर एमती हाथ आउ गोड़ एमती रो तो ये पोजिशन आम कौन पर यूज हुए ना आनाल सर्जरी कोलोरेक्टल सर्जरी आम आनाल सर्जरी कि कोलोरेक्टल सर्जरी आम यही पोजिशन को पेसेंट रखा जाकि सर्जरी कराए। देन देखूँ अर्थोपेनिक पोजिशन। अर्थोपेनिक पोजिशन देखते पूरा आपंकर बेड पट 90 डिग्री रो आपण को आगे किसी सपोर्ट्रे पूरा नुआ ही रखा। तो देखो ये पोजिशन कौन पर यूज हुए ना पेरिकार्डाइटिस पेसेंट आस्मा पेसेंट सीओपीडी पेसेंट पर भी ये पोजिशन यूज हुए कारण लंग्स एक्सपेंशन भल हम थोरासेंटेसिस आम लंग्स भितर किसी इनसीजन होकर जदि आम कि ट्यूब देकर आम एयर कि फ्लूड मानने बाहर को आउट होन ये पोजिशन यूज हुए निश्चिंत भल लगे। आज जब भिडियो भल लगी भिडियो को सेयार करूँ आप सहित तो आज जब भिडियो भल लगी निश्चय लाइक कमेंट करूँ आ गए भैल्युएबल कमेंट दिंतु आपंकर जो सब पोजिशन कहली आपंकर आग को कंपिटेटिव एग्जाम भी आसपे आपंकर बेसिक नलेज जाना कथ। तो ठीक अच्छे आज भाई ये रही जय जगन्नाथ।